हेलो बेटा, हाय, जय श्री कृष्णा। मैं एनकेटी फिर आ गया हूँ नया एपिसोड लेके आपके सामने। मैंने आपको जैसे पहले पढ़ाया था, तीन तरह की मसल सेल्स हैं, पढ़ाया था ना यार, बोलो, पढ़ाया था ना भाई। तो तीन तरह की मसल सेल्स हैं, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, और जहाँ दिल धड़धड़ा रहा है, धक धक कर रहा है, वहां पर कार्डियक मसल्स हैं। इन तीनों मसल्स में जो सबसे ज्यादा मसल्स की जिसकी चर्चा बॉडी में की जाती है, जिसका डिस्कशन हर जगह किया जाता है, वो सामने लिखा है, जिसके हम लोग स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं, या इसे हम लोग बालुंड्री मसल कहते हैं। मतलब हम लोग स्केलेटल मसल्स का या बालुंड्री मसल्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही बॉडी में मेन मसल है जिसे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, जिससे के द्वारा हम मूवमेंट कर रहे हैं और बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आप इस सेल की चर्चा करना चाहते हैं, मसल सेल का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। मसल सेल्स के सर के सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर कभी भी सार्को शब्द लग जाता है, चाहे सार्को शब्द लग जाए चाहे मायोटर्म लग जाए, इसका मतलब हमेशा मसल ही होता है। ये आप दिमाग में सेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए एक मसल सेल बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं। जब आप कोई मसल सेल बनाते हैं तो ये एक फिगर बनाते हैं, जैसे जनरली ये एक सेल है, मसल सेल है। इस मसल सेल्स के बारे में सबसे पहले आप ये जाने किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन न कह के हम लोग इसे सार्कोलेमा कहते हैं। ये देखिए नया शब्द आ गया आपके सामने, इसे हम लोग सार्कोलेमा कहते हैं। तो अब आप यहाँ फट से लिख लें कि सार्कोलेमा क्या है। तो आप यहाँ ऐसे कमेंट लिखते गए कि सार्को शब्द लग गया, तो आप फट से समझ जाए सार्को टर्म लग गया है, मतलब बात हो रही है मसल सेल्स की। आप यहाँ फट से लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, ऐसे आप लिख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कौन सी सेल, मसल सेल, चाहे मसल सेल कहें और चाहे मसल फाइबर कहें, जो भी आपको पसंद हो आप बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा हमने कहा इसमें, अब क्योंकि स्केलेटल मसल सेल है इसलिए आप ये देखिए इसमें ढेर सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे, मतलब ये मल्टी न्यूक्लियेट है, आपको ये बात सीखनी है। ये देखिए तो आप फट से लिखें कि इसमें न्यूक्लियस जो है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मल्टी न्यूक्लियेट है, मल्टी न्यूक्लियेट न्यूक्लियस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए तो अब आप यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बात कर लें कि इसका जो ये पहला कॉम्पोनेंट है, दूसरा आपने लिखा सर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लियेट है। मल्टी न्यूक्लियेट जो कंडीशन है वो दो मसल्स में दिखाई पड़ती है, मल्टी न्यूक्लियेट एक वॉलंटरी मसल्स में और दूसरे कार्डियक मसल में। मल्टी न्यूक्लियेट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर सिंसाइशियम कंडीशन है। ये देखिए मल्टी न्यूक्लियेट है, सिंसाइशियम है, एनसीईआरटी में डिस्कशन किया, आपको सीखना है। जब फ्यूजन ऑफ सेल से कई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन कहते हैं। ढेर सारी सेल्स जब आपस में फ्यूज जाती हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं, मल्टी न्यूक्लियेट सेल का फॉर्मेशन करती हैं, तो उसे मल्टी न्यूक्लियेट कहते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये जो फ्लूड भरा हुआ है, जनरली फ्लूड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म कह के हम लोग इसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सार्कोप्लाज्म क्या है, आप तीसरा कॉम्पोनेंट यहाँ पर डिस्कस करें, लिखे यहाँ पर सर ये सार्कोप्लाज्म है। सार्कोप्लाज्म मतलब ये हुआ सिंपल सी मीनिंग है, आपको अपना दिमाग नहीं खर्चा करना है, क्योंकि खर्चा करने पर चीजें कम पड़ जाती हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, जो मसल सेल है उसके साइटोप्लाज्म को हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ये सीखना है आपको। इसके बाद आप ये सीखें यहाँ पर खास तरह की माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं। ये देखिए सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में पाए जाएंगे, किस मसल सेल में पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे रे सर सिंपल सी बात है, जो ज्यादा काम करेगा तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया न कहके इन्हें सार्कोसोम्स कहा जाता है। मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे बिटिया रानी, ये देखो मसल सेल्स को में जो पड़े हुए माइटोकॉन्ड्रिया हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्कोसोम्स कहते हैं। ध्यान से देखिए सबने ज्यादातर सार्को शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो सार्कोसोम्स क्या है ये लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल। जो मसल सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया न कह के सार्कोसोम्स कहते हैं। अब देखते जाएं आप लगातार नाम बदलते जा रहे हैं। फिर यहां देखें आप, यहां पर खास था कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम यहाँ पर देखें, इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक यहाँ देखिए रेटिकुलम, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका डिस्कशन आपको करना है। तो आप चाहें तो सार्कोप्लाज्मिक डिस्कशन यहाँ कर लें, यहाँ पर लिखें इस जगह पे ये लिखें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, कौन सी है, पूरी जानकारी आप ले लें, आपसे पूछा जाएगा। ये व्हाइट मतलब जो इन वॉलंटरी मसल्स उनमें नहीं पाई जाती है, ये कार्डियक और वॉलंटरी मसल केवल पाई जाती है दो मसल्स में। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दो तरह की मसल्स में पाई जाती है, एक कार्डियक में पाई जाती है और दूसरी वॉलंटरी मसल्स में पाई जाती है, सिर्फ दो में। इन वॉलंटरी मसल्स में आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखाई पड़ेगा, ध्यान सुनना इस बात को, दिमाग में रखना, जब ध्यान सुनोगे तभी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैंने कहा था एनसीईआरटी क्या करती है, मोक्ष के रास्ते खोलती है, सीखना पड़ेगा आपको। तो ये क्या करती है, सबसे पहला कमेंट लिखिए इसके बारे में, अ टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखिए अ टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर आपको याद होगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में एसईआर कहते हैं, और यहाँ पर स्टेरॉयडोजेनेसिस होती है, मतलब स्टेरॉयड्स का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, स्टेरॉयड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप यहाँ देखें इसका मेजर काम है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, ये देखिए ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है, मतलब आपको समझना है यहाँ पर जो आयन स्टोर है इसके ट्यूब्यूल्स के अंदर वो कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन है, इसमें स्टोर पड़ा हुआ है। इसके सिवा आप और देखें यहाँ पर कहीं पर एक पर्टिकुलर जगह पर स्टोरेज मटेरियल है, इस मटेरियल का नाम क्या है, ग्लाइकोजन है, ये देखिए ग्लाइकोजन। आप यहाँ लिखना शुरू करें, डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ लिखें अगला जो कंटेंट है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन है, ये क्या है, स्टोर्ड मटेरियल है, मसल सेल्स में स्टोर्ड मटेरियल है। मैं अगर आपसे कहूँ क्या है ये स्टोर्ड मटेरियल, क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट या प्रोटीन है, तो आप कहेंगे सर ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज क्या है बेटा, पॉलीसेकेराइड है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ये देखिए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ये आपने नेक्स्ट कंपोनेंट लिख दिया, इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जिसे आपने कहा सर ये ग्लाइकोजन है। इस ग्लाइकोजन के सिवा यहाँ पर कहीं पर इस सेल के अंदर एक खास तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट पड़ा हुआ है, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम लोग मायोग्लोबिन कहते हैं। वैसे हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसका नाम हीमोग्लोबिन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के अंदर जो पड़ा हुआ है वो मायोग्लोबिन पड़ा है। तो फट से यहाँ पर लिखें कि सर अगला जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन है। देखिए यहाँ पर लिखें आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मसल सेल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मसल सेल, ये देखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मसल सेल, फंक्शन क्या है इसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से हमेशा ज्यादा होती है, मायोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से हमेशा ज्यादा होती है, ये देखिए मतलब हीमोग्लोबिन से ज्यादा मायोग्लोबिन बाइंड कर सकता है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंड कर सकता है, ये हो गया। इसके सिवा अब यहाँ पर खास तरह के पैरेलली अरेंज्ड इसमें खास तरह के वो पड़े हुए हैं मायोफिलामेंट्स पड़े हुए हैं, पैरेलली अरेंज्ड, इनका नाम लिख दीजिए सर ये मायोफिलामेंट्स है, ये मायोफिलामेंट्स जो है ये प्रोटीनेसियस है और ये इसके साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। अब आप यहाँ लिखें मायोफिलामेंट्स, नेक्स्ट कमेंट है आप यहाँ लिखें सर ये मायोफिलामेंट्स है, कभी जिक्र कर लीजिए, एनसीईआरटी ने लिखा है तो मुझे लगता है कि आपको भी डिस्कस करना चाहिए। मायोफिलामेंट्स जो है कैसे अरेंज है, आप ऐसे लिखेंगे सर वो उनका अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट है, वो पैरेलल ही अरेंज्ड है, ये देखिए पैरेलल अरेंजमेंट है, ये आपने पहला कमेंट लिखा मायोफिलामेंट्स का अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट है, ये आप लिखना है। दूसरा आपने लिखा कि सारे प्रोटीनेसियस है, मतलब जितने भी मायोफिलामेंट्स हैं सब के सब प्रोटीन के बने हुए हैं,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी ने इसका डिस्कशन किया है, मुझे लगता है आपको सोचना जरूरी है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो जग सुना सुना लगेगा, कैसा लगेगा, जग लगेगा सुना सुना, जग लगेगा सुना सुना, सब हो जाएगा गड़बड़, हो जाएगी बहुत सारी समस्याएं। इसलिए पढ़ो, आगे बढ़ो और टक टक खाओ, टकाटक करो, आओ देखा जाए। तो इसमें जो माला फिलामेंट्स हैं वो प्रोटीनेसियस हैं, पैरेलली अरेंज्ड हैं और इनके तीन टाइप हैं। अगर आप इनको देखें तो सबसे पहले जो है वो जो फिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल माला फिलामेंट्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल में दो लोग आते हैं, ये देखिए, एक का नाम आता है एक्टिन और दूसरे का नाम आता है मायोसिन। ये देखिए, ये दो प्रोटीनियस मायोफिलामेंट्स हैं जो कॉन्ट्रेक्टाइल काम करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रोटीनियस फिलामेंट है उसका नाम है रेगुलेटरी है, जो रेगुलेशन का काम करता है। ये देखिए, इनका नाम क्या है, पहले का नाम है ट्रोपोनिन, क्या नाम है, ट्रोपोनिन, और दूसरा जो है उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ये देखिए, तीसरा जो है वो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये तीन तरह के मायोफिलामेंट्स हैं। पहला है कॉन्ट्रेक्टाइल जिसका नाम है एक्टिन और मायोसिन, आपने सुना होगा, और रेगुलेटरी है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। एनसीईआरटी ने इसका भी डिस्कशन किया है, छिप छिप के डिस्कशन किया है, चुपके चुपके से डिस्कशन किया है। और स्ट्रक्चरल में अगर आपको लिखना है तो आप लिखिए ना, एक पहला नाम है टीटिन, इसे टिफिन मत पढ़िएगा, आपका भरोसा नहीं है, टीटिन नाम है इसका। दूसरा जो इसका नाम है उसका नाम मायोमीसिन है, ये देखिए मायोमीसिन है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसका नाम है डिस्ट्रोपिन, ये देखिए नाम क्या है इसका, डिस्ट्रोपिन। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब आपके सामने मायोफिलामेंट्स तीन तरह के हैं। ये पैरेलली अरेंज्ड प्रोटीनेसियस फिलामेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल है एक्टिन और मायोसिन, रेगुलेटरी है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, स्ट्रक्चरल है टीटिन मायोमीसिन और डिस्ट्रोपिन। इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक सेल है जिसके जिसके अंदर का मैंने पूरा आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिया, एक छोटी सी चीज छूटी जा रही है, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे सारा पढ़ना बेकार है। अब आप एक बार फिर से समझ लें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कहे कि हमने इसे सार्कोलेमा कहा है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म उसे हम लोग सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, इसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो मायोग्लोबिन स्टोर है मसल सेल्स का। इसके सिवा इसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहते हैं। इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ी है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कार्डियक और बालोटी मसल में पाई जाती है, कैल्शियम को स्टोर करती है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। और यहाँ पर स्टेरॉइड कोई फॉर्मेशन वगैरह नहीं करता, मल्टीन्यूक्लिएट है सिंस आईसीएल कंडीशन है। और इसके सिवा इसमें पैरेलली अरेंज प्रोटीनेसियस फिलामेंट है, हम लोग मायोफिलामेंट्स कह रहे हैं, उनकी तीन कैटेगरीज है, कॉन्ट्रेक्टाइल जो है वो एक्टिन और मायोसिन है, रेगुलेटरी जो है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, और स्ट्रक्चरल है टीटिन मायोमीसिन और डिस्ट्रोपिन। ये प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं जो इसके साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको इसका मुंह इधर करना पड़ेगा, जगह चाहिए, जगह के बिना दुनिया है बेकार। इस दुनिया में जो कंपटीशन है फूड शेल्टर के लिए है, ये देखिए, ये सेल ऐसे आती है, एक खास तरह की सेल है, ये नर्व सेल है। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सर इस नर्व का नाम मोटर नर्व है, ये देखिए ये नर्व है, मोटर नर्व है। मोटर नर्व जो है इस लोकेशन पे आ रही है, मसल सेल से अपना एक सिनेप्स बना रही है। जब मसल सेल से अपना सिनेप्स बना रही है तो इस तरह से फिर सिनेप्स को हम लोग कहते हैं कि ये न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट बनती है मसल सेल और नर्व सेल के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग न्यूरोमस्कुलर प्लेट कहते हैं। ये देखिए न्यूरोमस्कुलर प्लेट कहते हैं ये। तो अब आपको मुझे लगता है कि आपको पूरी डिस्कशन करनी चाहिए न्यूरोमस्कुलर प्लेट के बारे में। आइए देखा जाए न्यूरोमस्कुलर प्लेट क्या होती है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लें क्योंकि जरूरी है आपको कहीं किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए। आप बहुत छोटे हैं, एकदम सिंपल से बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में है, इसलिए आप 11th के क्लास के बच्चे, इसलिए आपको अच्छे सीखना चाहिए। तो अब आपको क्या सीखना है, देखिए आप हेडिंग डालिए, यहाँ डालिए कि आप न्यूरोमस्कुलर प्लेट की डिस्कशन कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर प्लेट की बात कर रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर प्लेट। इस न्यूरोमस्कुलर प्लेट का दूसरा नाम है मोटर इंटरप्लेट नाम है, ये देखिए मोटर इंटरप्लेट नाम है, मोटर इंटरप्लेट नाम है।
या इसी का नाम एनएम जंक्शन है। कैसा जंक्शन है? एनएम जंक्शन है। ये तीन अलग अलग नाम है जो आपको सीखने हैं। सिंपल सी बात है यार, असल से इसको कौन कंट्रोल कर गया? एनकेटी नहीं, एनकेटी तो कंट्रोल करेंगे ही, हम ब्रह्मास्मि, हम तो ईश्वर है, लेकिन अभी मसल सेल को नर्व सेल कंट्रोल कर रही है। तो अगर आपको लिखना है कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, नाम ही दिख रहा है, वो जंक्शन जहां पर नर्व सेल मसल सेल जुड़ रही है, मोटर इम्प्लांट, तो अगर आप देखें तो ये क्या है, ये एक तरह का न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स है। न्यूरो मस्कुलर क्या है बेटा? सिनेप्स। ये न्यूरो मस्कुलर सिनेप्स है, ये देखिए एक तरह का सिनेप्स है ये नर्व सेल और मसल सेल्स में, जहां पर दो कंटेंट है, एक नर्व सेल और एक मसल सेल है, सिर्फ दो कंटेंट है। और यहां पर एस्टल कोलिन जो होती है, एस्टल कोलिन रिलीज होती है, जिसके द्वारा ये मसल सेल एक्साइट हो जाती है। ACS का मतलब क्या हुआ? अब यहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूं, आपको क्लियर रहे। ACS का मतलब क्या हुआ? अगर मैं पूछूं, एस्टल कोलिन यहां नर्व सेल रिलीज करती है, जिसके कारण नर्व सेल मसल सेल होती है वो एक्साइट हो जाती है। ये एक सेल है, ये एक सेल है जिसे एक मोटर प्लेट, मोटर नर्व जो है कंट्रोल कर रही है, जिसे कॉन्टेक्स्ट रिलैक्सेशन कंट्रोल कर रही है। अब आइए हम आपको नर्व सेल की, मसल सेल्स की पैकेजिंग पढ़ाते हैं। बेटा देखो, अब हम लोग मसल बंडल की पैकेजिंग पढ़ते हैं। मैंने एक आपको मसल सेल पढ़ाया, अब आप ध्यान से देखें, ये देखें आप यहां पर देखें, ये एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है, और ये एक मसल सेल है। ये चार मसल सेल्स, मैं नाम लिख देता हूं, एक दो तीन और चार, ये मसल सेल्स है, आपको ये बात देखनी है। तो अब इन मसल सेल्स के ऊपर अगर आप देखें तो एक खास तरह का टिश्यू है जो इनकी पैकेजिंग करा रहा है। ये देखिए, इस सेल के ऊपर एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है, इस सेल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पर एक सेल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू है, इस सेल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखिए, चार सेल हो गए। इस टिश्यू का नाम अगर आप देखें, ये जो टिश्यू है, तो इस टिश्यू का नाम इंडोमाइसियम है, इंडोमाइसियम। ये देखिए, तो इंडोमाइसियम क्या है? अगर आप देखें इंडोमाइसियम क्या है, इंडोमाइसियम जो है ये अलेयर, देखिए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है अराउंड मसल फाइबर। एक मसल फाइबर के ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, मसल फाइबर। ये देखिए, एक के ऊपर है। अगर आप देखें तो इसी तरह से एक बंडल ये भी है, यहां पर देखें एक बंडल ये है, ये चार सेल्स ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे ये एक बंडल है, ये चार सेल्स ऐसे पड़ी हुई हैं इस तरह से। अब अगर आप देखें तो इन सब के ऊपर भी वही लेयर है जिसको आप बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से इनके ऊपर भी लेयर है। अब अगर आप देखें तो ये चार चार सेल्स की, मसल्स की एक बंडल हो गई। इन बंडल की फर्दर पैकेजिंग इस तरह से हो जाती है। अब ये देखिए, इन्हें हम लोग मसल बंडल कहते हैं। ये अब आप यहां चाह ले सकते हैं कि सर ये मसल के बंडल्स हैं, ये मसल के बंडल्स हैं, इन बंडल्स को लोग फैसिकल्स कहते हैं। ये और इनके ऊपर जो लेयर है, मतलब इनके ऊपर जो लेयर है, उस लेयर का नाम पेरिमाइसियम है। ये देखिए, आप यहां लिख लें कि इंडोमाइसियम के बाद जो दूसरी लेयर है वो है पेरिमाइसियम। ये दूसरी लेयर है, आप यहां लिख लें। पेरिमाइसियम क्या होता है? पेरिमाइसियम जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, बंडल है पेरिमाइसियम। ये देखिए, ये अराउंड मसल बंडल होता है, अराउंड मसल बंडल होता है। एक मसल बंडल के ऊपर ये लेयर होती है जिसकी पैकेजिंग में मदद करती है। अब आप देखें, ये एक बंडल है, ये एक बंडल है, और एक ही बंडल है, ये तीन बंडल है। इन तीनों बंडल्स को आपस में जोड़ने के लिए खास तरह के कनेक्शन है, इन्हीं कनेक्शन को हम लोग फैसिकल्स कहते हैं। ये देखिए, ये फैसिकल्स हैं, ये देखिए, ये मसल बंडल को हम लोग फैसिकल्स कहते हैं, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ रहे हैं इन्हें हम लोग फैशिया कहते हैं। तो अगर आपको फैशिया के बारे में लिखना हो तो आप लिखिए, सर फैशिया क्या है? ये देखिए, ये कॉमन कोलेजिनस टिश्यूज हैं। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि ये कॉमन कोलेजिनस टिश्यूज हैं। करते क्या है? ये देखिए, ग्लूड, ग्लूड माने जोड़ रहे हैं मसल बंडल,
ये मसल बंडल को आपस में चिपकाने का काम करते हैं। फैशिया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ याद रखिएगा, फैसिकल्स मसल बंडल है और फैशिया जो है वो मसल को जोड़ने, बंडल को जोड़ने वाला एक लेयर है। इस तरह से फाइनली देखें, जब ये ढेर सारी मसल्स के बंडल आपस में से पैक हो जाते हैं इस तरह से, तो अब आपने देखा एक सेल के ऊपर एंडोमाइसियम है, एक बंडल के ऊपर पेरिमाइसियम है और सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग एपिमाइसियम कहते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। तो अब आप देखें, पहले एंडोमाइसियम, फिर पेरिमाइसियम और फिर हो गया ये कौन सा माइसियम, इसे हम लोग एपिमाइसियम कहते हैं। एपिमाइसियम ले दीजिए, ये कहाँ है, अराउंड मसल है, ये मसल के ऊपर की एक लेयर है। ये देखिए इस तरह से पैकेजिंग होती है, मतलब पहले शेल है, फिर इसके ऊपर एंडोमाइसियम है, फिर एक बंडल बनता है और उन सारे बंडल्स को आपस में जोड़ने के लिए ये खास तरह के कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यूज की यहाँ पर लेयर पड़ी हुई है। इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का जो नाम है, इस लेयर का नाम फैशिया है। कोलेजिनस टिश्यूज है जो एक मसल बंडल को दूसरे मसल बंडल से जोड़ते हैं। इनके बीच बीच में यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है जो सारे नर्व बंडल्स, मसल्स बंडल्स को सप्लाई देती है। तो अगर आपको मसल्स बनानी है तो पहले आप मसल सेल, फिर मसल बंडल, फिर मसल का फॉर्मेशन करते हैं और इन बंडल्स को जोड़ने के लिए जो टिश्यूज हैं उनका नाम कॉमन कोलेजिनस टिश्यूज है, जो इनको आपस में बाइंड करने का काम करते हैं। इस तरह से एक मसल का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मसल है, जो मसल सेल और मसल बंडल से तब मसल का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको सीखनी है, पहले मैंने सेल पढ़ाई, बंडल पढ़ाया और फिर आपको मैंने मसल पढ़ा दिया।